हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बैटनर एक्टर धर्मेंद्र को उनके कूल और मजेदार अंदाज के लिए जाना जाता है। फिल्मों में कई मस्त मौला किरदार निभा चुके धर्मेंद्र रियल लाइफ में काफी कूल हैं और सोशल मीडिया पर फैंस के साथ दिलचस्प वीडियो भी शेयर करते रहते हैं। मगर बीते दिन धर्मेंद्र थोड़े गुस्से में और इरिटेट होते नजर आए। धर्मेंद्र मुंबई के एक स्कूल में वोट डालने पहुंचे। वोट डालकर बाहर निकलते हुए धर्मेंद्र पेपराजी एक सवाल पर नाराज हो गए। उन्होंने सवाल करने वालों को नसीहत दे डाली। 88 साल के धर्मेंद्र बॉलीवुड के आइकॉनिक स्टार्स में से एक हैं। शोले में वीरू का यादगार किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र सोमवार को मुंबई के जुहू इलाके में वोट डालने पहुंचे। लाल कलर के चक शॉर्ट ब्लैक हैट में धर्मेंद्र हमेशा की तरह बहुत कूल दिखे, मगर वोट डालकर बाहर निकलते वक्त सवाल ने उनका मूड खराब कर दिया। वीडियो में धर्मेंद्र एक कैमरा पर्सन के किसी वोटिंग से जुड़े सवाल से इरिटेट होते नजर आए। इस सवाल जवाब में उन्होंने पलट कर नसीहत दे डाली। वीडियो में बोलते नजर आ रहे, यार अच्छे शहरी बनो, रईस बच्चे बनो, माँ बाप से प्यार करो। आपको मालूम है जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं? आपको बता, धर्मेंद्र की पत्नी हेमामालिनी मथुरा की सांसद है। उनके क्षेत्र की वोटिंग दूसरे चरण में होने वाली है। अप्रैल में मथुरा में हुई वोटिंग के दिन धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी के लिए वोट देने की अपील करते हुए इस खास वीडियो को शेयर किया। उन्होंने कहा कि आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे क्यों बातचीत कर रहा हूँ। हमारी हेमा के लिए, हेमा तीसरी दफा वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। पिछले इलेक्शन में मैं भी आया था। हेमा को उस नगरी से, उस मिट्टी से बेपनाह प्यार है। वो चाहती है कि वो इसे बहुत सुंदर बनाए। धर्मेंद्र की काम की बातें करें तो पिछले साल रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए थे। 88 के धर्मेंद्र इस उम्र भी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाए हुए हैं, ये वाकई बड़ी बात है। और इसकी वजह से धर्मेंद्र का कूल अंदाज, फैंस और परिवार के प्रति प्यार, लगाव, काम के प्रति ईमानदारी, धर्मेंद्र इन सब के अलावा अपने परिवार को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र की दो पत्नियां हैं, दोनों के संग धर्मेंद्र टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों के बच्चों के संग हमेशा खड़े होते नजर आते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि धर्मेंद्र के लिए प्रकाश, हेमा, राधा, रुक्मणी से कम नहीं है। दोनों से बेइंतहा प्यार करने वाले धर्मेंद्र बाहर की दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। धर्मेंद्र अपने परिवार के मैटर अपने परिवार तक ही रखना चाहते हैं। लेकिन बीते दिनों जब वोटिंग के बाद कैमरामैन ने धर्मेंद्र से दोनों पत्नियों के बारे में सवाल पूछा तो धर्मेंद्र बौखला गए। 88 के धर्मेंद्र का जोर नहीं चला, वरना वो अपनी पत्नियों के खिलाफ एक शब्द सुनने से पहले जूता निकाल कर पीटना शुरू कर देते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धर्मेंद्र अपने जमाने में सेट पर कई लोगों को पीट चुके हैं। धर्मेंद्र की बेटी ईशा का खुद कहना है कि उनके घर में सभी का गुस्सा बहुत हाई लेवल का है। सनी देओल का गुस्सा तो पूरा देश जानता है। जिनका 2.5 किलो का हाथ उठता है तो इंसान उठ जाता है। राज धर्मेंद्र का भी वही गुस्सा देखने को मिला। वीडियो देखकर हर कोई डर गया। 88 के धर्मेंद्र के भले ही पैर और आवाज लड़खड़ाने लगी हो, अब तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता हो। खाना पीना भी अब वैसा नहीं रहा जो धर्मेंद्र बिना किसी डाइटिंग के हमेशा से करते आ रहे थे। पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र हमेशा से खाने पीने के शौकीन है। ब्रेकफास्ट में मक्खन पराठे ना खाएं तो शायद दिन की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन अब इस उम्र के साथ ये सब कुछ कम होता जा रहा है। अब धर्मेंद्र को दवाइयों से पेट भरना पड़ता है। बीते महीने धर्मेंद्र बीमारी के चलते काफी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बावजूद धर्मेंद्र अपने फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे परिवार या फिर देश का हो। इस हालत में भी धर्मेंद्र वोट डालने गए। धर्मेंद्र वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी इस खुशी को नजर लग जाएगी। गए तो खुशी से, लेकिन आए बहुत ही बुरे मूड से, और ऐसी हालत हो गई कि वो किसी से बोल बतला भी नहीं रहते। उनकी हालत देखकर लोग घबरा रहे थे, परिवार वाले भी घबरा गए। एक कैमरामैन ने धर्मेंद्र से बहुत ही अजीब सवाल कर लिया। कहा जा रहा है कैमरामैन ने पूछ लिया कि अकेले आए, प्रकाश कौर नहीं आई, हेमा मालिनी तो बेटी संग वोट डालने गई है। अब इस सवाल पर धर्मेंद्र के दिमाग की हिल गई। धर्मेंद्र उसी वक्त कैमरामैन पर कैमरे के सामने सवार हो गए। धर्मेंद्र ने गुस्से में उसे उल्टी सीधी सुनानी शुरू कर दी। धर्मेंद्र गुस्से में घर तो लौट आए, लेकिन घर आने के बाद धर्मेंद्र किसी से बात भी नहीं कर रहे, वो उठ भी नहीं रहे, मुंह से कुछ भी उनके निकल नहीं रहा। ये पहली बार नहीं हुआ। सनी देओल की शादी में भी धर्मेंद्र से इसी तरह के सवाल किया गया था। तब धर्मेंद्र ने कैमरामैन से कहा था कि तुमसे हम बाद में मिलेंगे।